एक फ़ोन आने से वीडियो कट हो गया था, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। देखिए, मैं दोबारा हाथ जोड़ के आप लोगों को एक बात छोटे मिनट में मैं कहना चाहूँगा। यूपी टीईटी का विवादित मामला कोर्ट में चल रहा है, तो आज से ध्यान रखिए, बिना पैरवी करवाए लाखों फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं, वो कभी सुनवाई नहीं होगा। और आपको लग रहा है कि 10, 20, 50, 100 खर्च करने में आपको तकलीफ़ हो रहा है, तो हमको हम ठेका थोड़े लेके बैठे हैं यार, कि मतलब आप घर सोए रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। साथ दीजिए, और सिर्फ मैं ही अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरी तरह जितने लोगों ने फाइल करा रखा है, उतने फाइलों पे सभी लोग वही प्रक्रिया अपनाएं जो मैं अपनाना चाहता हूँ, तभी जाके हम लोग केस में जीत सकते हैं। धरना देना होता है तो कोई निकल के बाहर नहीं आएगा, इलाहाबाद आना होता है कोई निकल के घर से बाहर नहीं आएगा, कोर्ट में पैसे खर्च करने होते हैं तो कोई निकल के पैसे देने नहीं आएगा, वकील से मिलना है तो वकील से मिलने साथ मीटिंग में आप लोग नहीं चलेंगे। करे सिर्फ एक व्यक्ति, घर से बैठे सिर्फ आप इंतज़ार कर रहे हैं, यार ये कैसे संभव है? जब सभी एक फाइल पे डेट लगाते लगाते हम थक जाएंगे, अगर यही 9-10 फाइलों पे डेट लगनी शुरू हो जाए, किसी न किसी दिन फाइल टेकअप हो जाएगी, मामले पे सुनवाई हो जाएगी, और मामले पे सुनवाई होगी तो उस मामले पे अगर केस में पॉजिटिव होता है, नंबर इशू होते हैं, तो हमारा फ़ायदा, अगर केस खारिज भी हो जाता है ना, तो हमारा ही फायदा है। रीज़न क्या है कि जब केस खारिज भी होगा सिंगल बेंच में, हम डिवीज़न बेंच में अपील कर लेंगे। सिंगल बेंच में हमें जानबूझ के फंसाया गया है, और हम लोग फंसे भी हैं क्योंकि हम लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि पैरवी करवा के डेट लेके केस को लड़ पाएँ। अभी ये गलती हमारी है, ये अब किसी अन्य पर नहीं थोप सकते हैं, इसी का फ़ायदा अन्य लोग उठा रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबको मिलके साथ आना होगा। गलत कह देने से ना मामला बन नहीं जाता, इन बातों का आपको अमल करना होगा, ध्यान रखना होगा। अभी सुपर डेट की वैकेंसी आ जाए ना, मुंह लटकाए खड़े खड़े रह जाएंगे, तो भी घर बैठ के चुप मार के इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जरूरी है कि हम सबको एक साथ मिलके, पता है मैं इतने दिन से बार बार वीडियो डाल के क्यों चिल्ला रहा हूँ यार भाई? अगर मेरे चिल्लाने से हो सकता है लोग मुझे पागल समझे कि अरे पागल है चिल्लाता रहता है, एक बात बताएं, यही सही लॉजिकल है, लॉजिक है कि अगर हम लोग सभी लोग मिलके अपनी अपनी फाइलों पे फाइल लगाना शुरू कर दें, और सभी याची अपने लीडर्स को सपोर्ट करना फाइल पे शुरू कर दें, तो 100 फाइल पे डेट मिलनी शुरू हो जाएगी, किसी न किसी दिन फाइल टेकअप हो जाएगी, मामले पर डिसीजन आ जाएगा। अरे सिंगल में खारिज होगा, हम डिवीज़न में हिल जाएंगे, हमारे पास अगला चांस है, मौका भी होगा। डिवीज़न में दो जज रहेंगे, उसमें फ़ायदा है कि कोई कहीं ना कहीं वो फाइल टेकअप हो जाएगी, उस पर फैसला निर्णय आ सकता है। सिंगल में फंसे पड़े हैं, कब डेट लगेगी, कब फाइल टेकअप होगी? और इसमें कुछ लोग ऐसे भी पड़े हैं ग्रुप में जो बोल देते हैं कि हैं हम पैसा आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। अरे कितना पैसा दिए हो? आयोग महीने का 15-20 लाख रुपया खर्चा कर देता है, यहाँ 5,000 रुपया इकट्ठा नहीं है कि जाके आदमी पैरवी करवा सके, और कहते हो कि पैसा खा गया, घंटा खा गया, केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है और खाने के लिए पैसा है। 5-5 सौ रुपया में याची बनेंगे, 1-1 हज़ार रुपया में याची बनेंगे। अरे हमारी गलती है, आज हम भोग रहे हैं, वो पहले वाला ही सिस्टम सही था जो 3,500-5,500 रुपया लगता था। पैसे के लिए इस तरह रिकझिक नहीं होता था, किसी को जितना जवाब तलब भी नहीं देना पड़ता था, जब सीना ठोक के सब जाते थे, केस लगवा आते थे। आज रोना पड़ रहा है, ज़्यादा किसी का भला भी सोचो ना तो वो लोग यही करते हैं, डंडा करने लगते हैं, गाली देते हैं। सबसे सही लॉजिकल तरीका है कि सबको मिलके इस केस को लड़ना होगा, नहीं तो घंटा हिलाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है। और चिल्लाते रहिए ग्रुप में कि कब डेट लगी है सर, कब क्या लगी है सर, अरे हम कोर्ट थोड़े हैं, लोग कह रहे हैं कि अब तक निर्णय नहीं आया, निर्णय क्या हमारे घर से आएगा? हमारे घर में कोर्ट है, हम जज बैठे हैं वहाँ, हमारे बाबूजी जज बैठे हैं वहाँ, या आपके घर के जज बैठे हैं? ना कोर्ट हमारे घर का है ना आपके घर का है, कोर्ट में जो प्रक्रियाएँ हैं उसके लिए उसके रूल के अनुसार चलना होगा, और कोर्ट का जो निर्णय आएगा ना वो ना हमारे हक में है ना और किसी के हक में है। कोर्ट का निर्णय जो भी आएगा वो कोर्ट के अनुसार आएगा, जो कोर्ट को सही लगेगा सही निर्णय देगा, गलत लगेगा खारिज करेगा। बस डील हाँकने में लगे हैं कि ये कर लेते हो वो कर लेते हो, तुम्हारे 500 रुपया से कुछ नहीं होता है। सपोर्ट करना है सपोर्ट करो, नहीं सपोर्ट करना है ग्रुप छोड़ के निकल जाओ, हम तुम्हारा फाइल से नाम भी निकलवा लेंगे, लेकिन पूरे ग्रुप का माहौल ख़राब ना करिए, और इसमें पूरे प्रदेश के छात्रों का भला है।
एक लोगों के वजह से, एक दो या दो चार पांच लोगों की वजह से ना पूरे प्रदेश भर को, प्रदेश भर के छात्रों का नुकसान नहीं किया जाएगा। जिसको ज़्यादा तकलीफ होगी फाइल से उनका नाम कटवा लिया जाएगा। अब सीधी सी बात है, खुल के बोल रहे हैं, जिसको ज़्यादा तकलीफ होगी उसका नाम फाइल से निकलवा लिया जाएगा। ठीक है, आप चुप मार के घर बैठिए और घर ही रहिए। लेकिन अब ये नहीं कि आपके चक्कर में पूरे पूरे प्रदेश भर का मामला, आपका यूपी टीईटी का मामला पूरे प्रदेश स्तर का होता है। तो जो भी निर्णय होगा अब कोर्ट से होगा, लड़ने से होगा। साथ दीजिए, नहीं तो घर बैठे रहिए चुप मार के, केस भी बैठा है, बिना पैरवी के कुछ नहीं होगा। जो भी होगा धन्यवाद, प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ, आगे से ध्यान दीजिए और प्लीज़ सभी लोग एक दूसरे को समझाइए कि सपोर्ट करें। कब तक हम चिल्लाते रहेंगे वीडियो बना बना के कि साथियों साथ आओ साथ आओ? साथियों आप लोग दूर भागे जा रहे हैं। चलिए धन्यवाद।